हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। और ये वीडियो है जो 2019 में जो भी नाम बदले गए हैं उनसे जो इम्पोर्टेंट है, ये उनसे संबंधित ये वीडियो है। देखिए, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो, पटवारी का हो, ग्राम सचिव का हो, या फिर HSSC के द्वारा लिए जाने वाले कोई और एग्ज़ाम हो, या SSC के कोई भी एग्ज़ाम हो, उनमें GK के क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो ये उन क्वेश्चनों से संबंधित ये वीडियो है। और देखिए, ये जो वीडियो है यह है सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, सभी के लिए उपयोगी है। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो वीडियो को पूरी को देखना, बीच में कट मत करना, ताकि कोई भी क्वेश्चन रह ना पाए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकॉन का बटन भी अवश्य दबा लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए, जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो उसका नाम बदल कर रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम, और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अब अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बोगीबिल पुल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो देखिए, जो बोगीबिल है उसका भी नाम बदलकर चेंज कर दिया गया है, और वह कर दिया गया है अटल सेतु, और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। जो बोगीबिल है, उस बोगीबिल पुल है, उसका नाम अब अटल सेतु पुल रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैवलोक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए, जो हैवलोक द्वीप है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो वह रखा गया है स्वराज द्वीप, और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। हैवलोक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए, जो रोस द्वीप है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? वह रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। जो रोस द्वीप है अब उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए, जो चेन्नई का रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका रखा गया है MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए, जो शिवाजी टर्मिनल है उसका भी नाम बदल दिया गया है, और उसका नाम रखा गया है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल टर्मिनल। देखिए, यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ टर्मिनल आएगा, और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। जो छत्रपति शिवाजी है उसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल टर्मिनल रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो देखिए, जो हाल ही में चर्चा में रही है चेनानी नासरी सुरंग, उसका भी नाम बदल दिया गया है, और वह रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। जो चेनानी नासरी सुरंग है उसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए, जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम बदलकर रख दिया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। जो पहले व्हीलर द्वीप था उसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नया रायपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो देखिए, जो रायपुर है उसका नया नाम बदलकर कर दिया गया है अटल नगर, और इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हैरतगंज चौराहा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो देखिए, जो हैरतगंज चौराहा है उसका भी नाम बदलकर रख दिया गया है अटल चौक, और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नल द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो देखिए, जो नल द्वीप है उसका भी नाम बदलकर चेंज कर दिया गया है, और वह रखा गया है शहीद द्वीप, और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। जो नल द्वीप है उसका नाम बदलकर अब शहीद द्वीप कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है?
तो देखिए जो स्वच्छ भारत अभियान है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो वह कर दिया गया है सुंदर भारत, और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो देखिए जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसका भी नाम चेंज कर दिया गया है, और अब उसका नाम रख दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो देखिए जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे का नाम बदल कर महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा रख दिया गया है, तो देखिए जो महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा है उसका नाम बदल कर दिया गया है उसका नाम अगरतला कर दिया गया है, जो वीर विक्रम हवाई अड्डा है उसका नाम बदल कर अगरतला कर दिया गया है, और इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर का नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया गया है, तो देखिए जो इलाहाबाद शहर है उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है, और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बंदरगाह का नाम बदल कर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, तो देखिए जो दीनदयाल बंदरगाह है उसका नाम बदल कर दिया गया है कांडला बंदरगाह, और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोरखपुर हवाई अड्डा का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो देखिए जो गोरखपुर हवाई अड्डा है उसका नाम बदल कर रख दिया गया है महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। जो गोरखपुर हवाई अड्डा था अब उसका नाम महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एकाना इंटरन क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो देखिए जो एकाना इंटरन क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम बदल कर रख दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, तो देखिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है उसका भी नाम चेंज कर दिया गया है, और वह रख दिया गया है बदलाव, और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो देखिए जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है, और वह रख दिया गया है अटल पथ, और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फैजाबाद का नया नाम क्या रखा गया है, तो देखिए फैजाबाद का जो नया नाम रखा गया है वह रखा गया है अयोध्या, और इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अटल नगर किसकी राजधानी है, तो देखिए जो अटल नगर है यह राजधानी है छत्तीसगढ़ की, और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर थी, और रायपुर का नाम चेंज करके अटल नगर रखा गया है, तो अब छत्तीसगढ़ की जो राजधानी होगी वह है अटल नगर है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की औरंगजेब रोड का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो देखिए जो दिल्ली का औरंगजेब रोड है उसका नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो वह रखा गया है कलाम रोड, और इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारसुगुड़ा हवाई अड्डा का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो देखिए जो झारसुगुड़ा हवाई अड्डा है उसका नाम बदल कर रखा गया है वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा, और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना शेयर करना, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और बेल आइकॉन का बटन भी अवश्य दबा लेना। थैंक यू।